स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू। मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है यूके पुलिस ने दो पाकिस्तानियों को जमकर पीटा, पाकिस्तान मीडिया क्राइम। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं कर साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बरतानवी पुलिस एहलकारों का बरतानवी निजात, दो पाकिस्तानी नौजवानों पर तशद्दुद, जमीन पर गिरे नौजवान को पुलिस एहलकार लाते मारते रहे। यूके पुलिस ने, मैनचेस्टर पुलिस ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर दो पाकिस्तानी बंदों को बहुत ज्यादा पीटा है, जमीन पर लिटाकर घूंसे मारे। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों होता है? ये इंडियंस के साथ क्यों नहीं होता? ये बाकी मुल्कों के साथ क्यों नहीं होता? ये इंडियंस के साथ क्यों ऐसे नहीं होता जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ होता है? कि वजह ये है कि उन्होंने पहले पुलिस के ऊपर अटैक किया और एक पुलिस वाली का खातून का नाक भी उन्होंने तोड़ दिया। बहरहाल इसके ऊपर स्टिल वहां की जो हुकूमत है, वहां के जो अथॉरिटीज हैं, वहां के जो अटॉर्नीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मजीद टाइम लेंगे और हम इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं। बहुत से कंट्रीज इस टाइम में पाकिस्तान से ना सिर्फ रिलेशन दूर करते नजर आ रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की या पाकिस्तानी लोगों की वैल्यू भी कम होती नजर आ रही है। एक वेव आ रही है, यूरोप के भी इलेक्शन हुए हैं, सारे राइट विंग की तरफ जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? जो नंबर वन वजह, नंबर वन, वो सिर्फ ये वजह है कि ये एक तो ये माइग्रेंट्स हैं, उन माइग्रेंट्स में सारे मोमिनींस हैं, तो उनके जो हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे होते थे, यूरोप की साफ सुथरी गलियां होती थी, अब वहां पे उड़ते लिफाफे और पैड़ियां शक्लां और पैड़ी हरकतें और तशद्दुद और मुक्के कसून लाते सड़क पे पोटियां कर रहे होते हैं लोग। पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्द ग्रोह तैयार करना शुरू कर दिए थे जिनका काम ये था कि पाकिस्तान की रियासत को अंदर से इतना कमजोर कर दिया जाए और साथ पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा किया जाए कि पाकिस्तान के एटमी हथियार खतरे में है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इस वक्त पूरी सोशल मीडिया में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जहां पर यूके के मैनचेस्टर के पुलिस मैन मिल करके दो पाकिस्तानियों को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं और यहां तक कि उनके मुंह पर जूते से हमला कर रहे हैं, क्योंकि ये वे पाकिस्तानी पुलिस मैन यूके में जा करके मैनचेस्टर के एयरपोर्ट में गुंडागर्दी कर रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने यूके के पुलिस वुमेन पर अटैक किया और यूके के पुलिस वुमेन के नाक भी तोड़ दिए। इसके बाद यूके की पुलिस हरकत में आते हुए उन पाकिस्तानियों को बहुत बुरी तरह से पीट रही है और यहाँ तक कि उन्हें ज़मीन में लिटा करके उनके मुंह पर लाते मारे जा रहे हैं। इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अब पाकिस्तानी मीडिया यूके के पुलिस को बुरा भला कह रही है और हम सब जानते हैं किस तरह से पाकिस्तानी यूके और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा करके हर तरीके के इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं और वहाँ पर गंद फैलाने की कोशिश करते हैं। तो अब यूके की पुलिस इन पाकिस्तानियों को लात मार करके सुधार रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैनचेस्टर पुलिस ने, आर्म्ड ऑफिसर ने पाकिस्तानी अमेरिकन्स को खड़ा करके रोक के उनको जमीन पे लटा के उनके सरों के ऊपर जूते मारे, पांव से किक्ड देम बैडली, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली थी उसको बरतानवी पुलिस ने, मैनचेस्टर पुलिस, जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा डेवलप्ड वर्ल्ड है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना उनको रूल ऑफ लॉ की बड़ी समझ है, ह्यूमन राइट्स की बड़ी समझ है, उनको ये बहुत अच्छा पता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों होता है? ये इंडियंस के साथ क्यों नहीं होता? ये बाकी मुल्कों के साथ क्यों नहीं होता? ये इंडियंस के साथ क्यों ऐसे नहीं होता जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ होता? ये सवाल है। और क्वेश्चन बरतानवी पुलिस से भी मेरा है कि बरतानिया जो है वो अपने आप को कहता है जी हम फर्स्ट वर्ल्ड के चैंपियन है, ये ट्रेनिंग आपने दी हुई है? एक बंदा आपके सामने अनआर्म्ड बंदा खड़ा हुआ है, अनआर्म्ड है उसके, वो अभी अभी एयरपोर्ट से बाहर निकला है, मुझे नहीं पता क्या हुआ लेकिन मुझे इतना पता चला है कि जो पुलिस है उसने ये कहा है कि जिस बंदे ने ये हरकत की है उसको हमने ऑपरेशनल ड्यूटियों से हटा दिया है। अब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? अब पाकिस्तानी बरतानवी पुलिस या ब्रिटिश, वो जो मैनचेस्टर पुलिस जो है उसके ऑफिस के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह तुम लोगों ने जो है वो पाकिस्तानी फैमिली के साथ बदतमीजी की और ज्यादती की। ये कोई तरीका कार है? ये कोई तरीका कार है कि आप किसी पाकिस्तानियों को, दो तीन पाकिस्तानियों जिनके साथ खवातीन है
और कैमरे की आंख देख रही है और एक सीन नहीं है, मल्टीपल सीन्स हैं। अब सारे के सारे वो जिसे कहते हैं ना, बिकॉज कि उनकी दाढ़ियां थी, दे वर बियर्डेड गाइस, मतलब इज दिस अ प्रॉब्लम? क्या दाढ़ी रखना जो है क्या ये मना है? आजकल तो मैंने बड़ा फैशन देखा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो लड़के हैं वो भी दाढ़ियां रखते हैं, लेकिन क्या मुसलमानों को दाढ़ी रखना मना है? क्या इतना मना है कि उसकी पिटाई कर दी जाएगी? जूते जो है, जूता जो है वो उस लड़के के सर पे रखा जाएगा बिकॉज ही इज एन एशियन मुस्लिम? इस वजह से ये कोई क्राइटेरिया है? एक पुलिस वाला एक नौजवान को सर में लात मारता है या मुंह में उसके लात मारता है, वीडियो देखने के बाद पहले मुझे महसूस हुआ अच्छा ये पंजाब पुलिस तो नहीं है, कहीं ये हम लाहौर या इस्लामाबाद की वीडियो तो नहीं देख रही, ये तो मैनचेस्टर है, ये तो बड़े अखलाकियात कवानीन रूल्स भाई फलाने डिमकान कहानियां सुनाया करते हैं, तो ये किस तरह से हो गया मैनचेस्टर के अंदर? लेकिन जाहिर है पुलिस के अंदर कोई ना कोई ठुल्ले होते हैं, तो ये मैनचेस्टर का ठुल्ला था। जहां पर भी जुल्म हो बहरहाल उसे कंडेम करना चाहिए, जालिम को जालिम कहना चाहिए और जालिम का चेहरा भी दिखाना चाहिए, लेकिन यूट्यूब की कुछ दायरे कतगने दिखा नहीं सकते। लेकिन मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस है उनका एक ठुल्ला, उस ठुल्ले ने ये ज्यादती की है। बहरहाल पुलिस का जो स्टेटमेंट है अभी तक वो मंजर यहां पर आई है, पुलिस का ये कहना है कि जो नौजवान को लात मारी गई है, मुंह पर उसके लात मारी गई, सर पर लात मारी गई, इसकी वजह यह है कि उन्होंने पहले पुलिस के ऊपर अटैक किया और एक पुलिस वाली का खातून का नाक भी उन्होंने तोड़ दिया। बहरहाल इसके ऊपर स्टिल वहां की जो हुकूमत है, वहां के जो अथॉरिटीज हैं, वहां के जो अटॉर्नीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मजीद टाइम लेंगे और हम इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं और सब कह रहे हैं कि हम वीडियो से अवेयर हैं। तो बर्तानिया के अंदर इसके ऊपर एक रिएक्शन आया है, एज अ सोसाइटी का रिएक्शन आया, पूरे मुआशरे का रिएक्शन आया है, एक आम बंदे से लेकर बड़े बड़े बंदे तक सबके इसके ऊपर रिएक्शन आए हैं। ये सब देखने के बाद मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सड़क के ऊपर तैयबा राजा पाकिस्तान की प्रोमिनेंट पंजाब से पॉलिटिशियन है, एक यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उन्हें गले से पकड़कर घसीटा गया था। मुझे ये वीडियो देखकर अफसोस इसलिए हुआ कि उनके साथ एक बूढ़ी माँ है, यानी इतनी एजेड एक ओल्ड वुमेन उनके साथ मौजूद है और उनकी मदर है और वो अपने बेटों को मार खाते हुए देख रही है। अच्छा अब बात क्या है, बात ये कि पीटा तो बहुत ज्यादा है, दोनों पाकिस्तानियों को बहुत पीटा है, जमीन पर लिटा लिटा के घूंसे लाते मारी हैं और मुंह पर जो है वो जूता मारा है। तो ये कंडेम तो इसलिए किया जाना चाहिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई भी पुलिस इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करती है तो उसको कंडेम ही किया जाना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि कोई बड़े से बड़ा मुजरिम भी हो लेकिन आपके जो उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो इजाजत नहीं देता ना पुलिस को कि किसी अनलेस के वो आपके ऊपर हमलावर हो। अच्छा अब इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जो है वो नहीं मार रहे, वो बंदे नहीं मार रहे पलट के, यानी लड़ाई ऐसी नहीं है कि दू बदू लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको ना ऐसा करती हूँ कि इसकी वीडियो भी थोड़ी सी दिखा देती हूँ, ठीक है जी? अब आप वीडियो देखेंगे तो शायद आपको, अच्छा वहां पर जो पुलिस है वो लेडी पुलिस भी मौजूद थी और वो अपने बार बार सर पे और कानों पे हाथ रख रही थी कि उसे भी महसूस हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब आप ये तस्वीर अगर देखें तो इसमें से जब एक बंदे को उन्होंने मारना शुरू किया है कॉप्स ने पकड़ के और उसको नीचे, वो नीचे लेटा हुआ है और वो जब वो आराम से लेटा हुआ है, यानी ऐसा नहीं है कि वो फाइट कर रहा हो या रेजिस्ट कर रहा हो या रिएक्ट कर रहा हो, फिर भी उसको मारे जा रहे हैं। सिर्फ उसकी माँ हल्का फुल्का, जिस तरह आप सोच सकते हैं एक एशियन वुमेन इस एज की वो कैसे छुड़ाने की कोशिश कर सकती है, वो तो परेशानी खुद इतनी है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस उसके ऊपर हुआ है। अच्छा उसके बाद जो दूसरा बंदा आप देख रहे हैं वो पीछे बैठा हुआ है और अगर आप देख सकते हैं तो उसने पीछे हाथ बांधे हुए, तो इसका मतलब है कि वो तो पहले ही जो आपने उसे कहा वो हाथ बांध के बैठ गया, तो फिर आपको इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी कि बाद में आपने, क्योंकि उस बंदे को जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये देखें जो सर के पीछे हाथ रख के बैठा हुआ है, उसके बाद उसको भी जमीन पर लिटाकर पीटा गया, बहुत मारा गया। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। हरकतों से ये बाज आते नहीं है पाकिस्तानियों। पाकिस्तानियों का कहना ये भी है कि भाई दाढ़ी थी इसलिए उनको मारा, मुसलमान था इसलिए उसको मारा, ऐसा नहीं होता कहीं पे। कमर सीमा जी ये भी कह रहे कि इंडिया इन लोगों के साथ क्यों नहीं होता है, दूसरे कंट्री के साथ क्यों, सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ क्यों होता है? तो पाकिस्तानियों के साथ ये होने का कई सारे रीजन है जिनमें से आप देख लेते हो, उन्होंने कुछ उंगलीबाजी की तो भाई हुई भाई, अटैक किया पुलिस वालों को, बिल्कुल। आप जहाँ पर जा रहे हो वहां तो शांति रखो, उस कंट्री के कुछ रूल्स होंगे, उस कंट्री के कुछ रेगुलेशन। आप किसी घर पे हम मेहमान बन के जाते हैं तो ये पाकिस्तानी कर सकते हैं कि वहां पे भी उंगली करते, फिर तो घुसे लाते सब पड़े। तो पाकिस्तानियों जैसी करनी वैसी भरनी होती है, बाकी आपकी चॉइस है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हो
वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ दोस्तों। टिल देन जय हिंद जय भारत।